तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज है 1 फरवरी और सुबह उठते ही हमें थोड़ा सरप्राइज मिल गया है। बर्फ तो पिछले कल भी थी लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही बर्फ टिक चुकी है। पिछले कल 4-5 इंच बर्फ थी पर आज आप देख सकते हैं लगभग 1 फीट बर्फ हो चुकी है और अभी भी कंटिन्यू लग रही है बर्फ। बर्फ ने बहुत ही ज़्यादा स्पीड पकड़ ली है, देख सकते हैं आप। पिछले कल इतना नहीं था, आज बर्फ ने रफ्तार पकड़ ली है और लगभग 1 फुट से ज़्यादा हो गई है बर्फ। और आप देख सकते हैं बर्फ कंटिन्यू है। इतनी ज़्यादा बर्फ हो चुकी है कि हमें लाइट भी चली गई है। अब शायद जब ये बर्फ पूरी तरह रुकेगी उसके बाद ही लाइट आएगी। सो दोस्तों अब मैं चलता हूँ नीचे, अब करेंगे हम ब्रेकफास्ट, उसके बाद मिलेंगे आपको। सो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा बर्फ में घूमने, तो आपको भी ले चलता हूँ साथ। ओहो, सो गाइस आपने पिछले कल तो देखा ही होगा यहाँ कितना बर्फ था पर आज बर्फ कुछ ज़्यादा ही हो गया है और अभी भी कंटिन्यूसली लगा है। रास्तों में सारी झाड़ियों ने गेट बना दिया है यहाँ से। सो मैंने पिछले कल अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल दी थी, अदरवाइज अब आप देख लो यहाँ कितनी बर्फ हो चुकी है। सो अब तो यहाँ से गाड़ी निकालना इम्पॉसिबल है। सो अभी मैं जा रहा हूँ, किसी एक शॉप है उसकी छत पे बहुत ज़्यादा बर्फ है और वो छत इतनी पक्की भी नहीं है कि उस बर्फ को संभाल पाएगी, इसीलिए उस बर्फ को थोड़ा छत से फेंक देते हैं ताकि हमारी छत बच जाए। चलो आपको मैं दिखाता चीज का हूँ। डर था। इसको दोबारा बनाना पड़ेगा और अब बर्फ बहुत ज़्यादा हो गई है, आप देख सकते हैं अभी भी कंटिन्यूअसली पड़ रही है बर्फ और अब लगभग 1.5 फीट बर्फ हो गई है। तो अभी अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारा मेन हाईवे है भांग में, जो मैंने आपको पिछले कल भी दिखाया था, अभी मैं आपको उसकी कंडीशन दिखाऊंगा जाके। इस शेड के लिए बहुत बुरा लग रहा है जो कि बर्फ से टूट गया पूरी तो तरह। दोस्तों यहाँ बच्चों ने थोड़ी सी स्की बनाई है और ये मज़े ले रहे हैं। हम भी बचपन में बहुत खेला करते थे यहाँ। तो दोस्तों मेरी गाड़ी पे लगभग 1.5 फीट बर्फ आ गई है, इसको वापसी में फेंकना देख पड़ेगा। सकते हैं रोड की कंडीशन बहुत ही सॉलिड बर्फ जम चुकी है रोड में, अब इस पे गाड़ी चलना इम्पॉसिबल है। ये देखिए गाइस जिप्सी जैसी गाड़ी अभी भी चल रही है, बाकी नॉर्मल गाड़ियाँ तो ऐसी बर्फ में खड़ी हो गई। अब सब गाड़ी का बर्फ फेंक लेते हैं, ऐसा ना हो कि गाड़ी का शीशा ही टूट जाए बाद में। दोस्तों अभी बर्फ निकाल रहे हैं गाड़ी से। 5 मिनट के स्ट्रगल के बाद हमने गाड़ी की छत से बर्फ फेंक दिया है। सो अब हमने इसके ऊपर से सारा बर्फ फेंक दिया है, तो अब कल देखेंगे कि इसके बाद कितना और बर्फ पड़ा है। अभी तक तो 1-1.5 फीट था, अब कल इसके बाद जितना बर्फ पड़ेगा वो इस पे टिक जाएगा, तो हम देखेंगे कितना बर्फ पड़ा इसके बाद। सो गाइज मैं घर वापस पहुंच चुका हूँ। जूतों की हालत कुछ ऐसी हो गई है
बर्फ तो आप देख ही सकते हैं कंटिन्यू चली अभी भी। तो अब चलते हैं अंदर। चलो दोस्तों, शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और जो हमने पहले रास्ता बनाया था जाते हुए वो तो अब गायब हो गया था, इसलिए मुझे ये घर तक का रास्ता दोबारा बनाना पड़ा। दोबारा मुझे मार्केट तक जाना पड़ रहा है। मार्केट तो मनाली हो गई बस, पर मैं तो जा रहा हूँ भांग तक दुकान, क्योंकि हमारे पास छोटा बेबी है तो उसके लिए पैम्पर लाना है। सो मैं द्वारा जा रहा हूँ गाइस, और दोस्तों बर्फ हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही आ गई। इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने तो सोचा था कि बस आधा और इट बर्फ आ जाएगी और रुक जाएगी, बट नहीं, बर्फ का प्लान कुछ और था। और गाइस ये सोलर लाइट चल गई है, अदरवाइज लाइट तो हमको दिन से ही चली गई, और अब तो लाइट का मुझे लगता है कि अगर कल मौसम साफ हो जाएगा तो आ जाएगी, अदरवाइज तो एक दो दिन भी लग सकते हैं शायद। ये लग रहा है कि जिस दुकान में मुझे सामान लेना था वो बंद हो चुकी है, बट शटर तो आधा खुला है, तो देखते हैं क्या होता है। पैम्पर तो मुझे मिल गए, सो अब चलते हैं घर की ओर। कल मौसम साफ भी हो जाता है तो हमारी गाड़ी निकलना तो मुझे लगता है मुश्किल ही है, क्योंकि रोड की कंडीशन ठीक नहीं है। अगर BRO वाले साफ कर देते हैं रोड तो मे बी परसों तक हम गाड़ी चला सकते हैं रोड पे। बट गाइस इस टाइम जिप्सी भी स्ट्रगल कर रही है चलने में, तो हमारी तो अल्टो है। पर अल्टो को वैसे लॉर्ड अल्टो कहते हैं, तो क्या पता वो चल पड़े। सो गाइस पिछले कल जो पहाड़ गुम हो गए थे वो अब दिखने चालू हो गए हैं, और यहाँ जैसे तो आप देख सकते हैं मौसम साफ भी हो चुका है। सो मुझे लगता है कि इस फर्स्ट स्नोफॉल का ये एंड है। सो आप देख सकते हैं लगभग इतनी बर्फ पड़ चुकी है। सो अब चलते हैं घर की ओर। वैसे वेदर फोरकास्ट में तो कल ही क्लियर दिखाया मौसम, और उसके बाद परसों से दोबारा बर्फ दिखाई है। सो देखते हैं क्या होगा। यहाँ तो लाइट आ चुकी है, बट हमारे गांव में शायद ही लाइट आई होगी। सो देखते हैं, अगर लाइट आती हो तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए गाइस, क्योंकि मौसम साफ हो चुका और जो बिजली के पोल्स वगैरह है उनका भी कोई लॉस या डैमेज नहीं हुआ है, इसीलिए लाइट शायद से छोड़ दी होगी। लाइट के मामले में हमारा पोपट हो गया है, क्योंकि जो ये घर है ये हमारे गांव का फर्स्ट घर है, तो इसमें तो लाइट आ गई है, बट शायद इनका जो फेस है वो अलग है और हमारा अलग। सो मुझे लगता है हमारा बैड लक होगा आज। सो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा इमरजेंसी लाइट का उपयोग करेंगे आज। पहुंच चुका हूँ घर और अब लगभग अंधेरा होने वाला है। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपने देखा होगा कि पिछले कल से आज को लगभग 1.5 फीट बर्फ आ गई, और मज़ा तो आ रहा है बट लाइट नहीं है, ये दुख है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है 2 फरवरी और आप देख सकते हैं 2 से 2.5 फीट बर्फ पड़ चुकी है, और सुबह सुबह हमें पानी सूख गया है और ना ही हमने कोई पानी स्टोर करके रखा है अंदर। सो अभी ये कोई बूंद पानी की नहीं है, बट बाहर एक टंकी थी जिसमें थोड़ा सा पानी है। सो अभी उससे खोल रहे हैं हम पानी। और आज धूप आ रही है पहाड़ों में।
पानी इसलिए सूख गया क्योंकि मौसम रात से साफ हो चुका है, तो जब धूप आ जाएगी पूरी तरह तो शायद पानी भी आ जाए। अभी तो शायद टेम्परेचर माइनस में है जिस कारण पानी जम चुका है सारा। सो दोस्तों, आज मौसम साफ होने के बाद कुछ इस तरह का व्यू है। धूप ऑलमोस्ट आ गई है अब और आप देख सकते हैं, वाह। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। दोस्तों, आज हमने अपना बिस्तर तंदूर जो है किचन में उठा लिया है क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही है, क्योंकि रात को बहुत ठंड हो रही है बेबी के साथ। तो हमने सोचा कि किचन में ही, क्योंकि ये कमरा थोड़ा छोटा है, इसलिए हमने यहाँ पे तंदूर लगा लिया। तो रात को यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी सोने के लिए बेबी के साथ। दोस्तों देखिए चारों तरफ का नज़ारा, ये रास्ता बना रहे हैं चलने के लिए। दोस्तों देखिए बर्फ, नज़ारे,